सो हेलो फ्रेंड्स, मैं अथक कुणाल। आज क्या देखने वाले हैं हम लोग? तो आज देखने वाले हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट हमारा मोशन इन वन डायमेंशन 25 ईयर्स पास्ट नीट क्वेश्चंस फ्रॉम 2017 ऑनवर्ड्स। मैंने पिछले वीडियो में बताया है ये ऑनवर्ड्स है, इसका मतलब क्या है। 2017 फिर 2016 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 32 14 आएगा, फिर 13 फिर 12 एंड दिस लाइक वाइज 25 ईयर्स तक हम लोग पीछे जाएंगे, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है वो हम लोग लास्ट में सॉल्व करेंगे, जब एग्जामिनेशन करीब होगा ना हमारा, ठीक है। जब हम लोग अप्रैल मार्च अप्रैल में पहुंचेंगे ना, जब एग्जामिनेशन करीब होगा हमारा, तो एक एट अ रैंडम मोशन में सॉल्व करेंगे। जब हम लोग देखेंगे 25 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमें क्या प्रॉफिट मिला है, उन 45 क्वेश्चन जो कि 2018 में पूछे गए हैं, हम लोग इन 25 ईयर से क्वेश्चन बनाने के बाद हम लोग कितना अच्छे समझ पाएंगे उन 45 क्वेश्चंस को। इस ढंग से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और 5 बायोलॉजी क्वेश्चंस फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, मैंने पिछले वीडियो में बताया है, ठीक है। तो ये तो चलता ही रहता है। तो लेट्स सी, इस वीडियो में हम लोग कौन से क्वेश्चन किस क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को देखने वाले हैं, 2011 के क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप लोग भी। चलो ठीक है, अभी थोड़ा सा साफ दिखाई देना चाहिए आप लोग को, है ना। तो अ बॉय स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ टावर 20 मीटर हाइट ड्रॉप्स अ स्टोन, अज्यूमिंग जी की जो जी है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, द वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड। इजी क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है, तो उसमें ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है हमारे पास। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या होगा कि हमारे पास एक लड़का है जो कि 20 मीटर हाइट के ऊपर से अपना बॉल को गिराता है, ठीक है, 20 मीटर हाइट से, ठीक है। और लिखा क्या है इसमें कि बॉय स्टैंडिंग द टॉप ऑफ 20 मीटर टावर, ठीक है, ड्रॉप्स अ स्टोन, U इक्वल टू हो गया मेरे पास 0। जब U इक्वल टू 0 हो गया तो आंसर जो होता है वो आता है आपके पास V इज इक्वल टू रूट अंडर 2gh। अब ये कैसे आता है, ध्यान रखिएगा, V इज इक्वल टू होता है U स्क्वायर प्लस 2as होता है। यहाँ पे हम लोग इसको h लेते हैं, s को, ये हो गया मेरे पास h हाइट, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसको g लेते हैं। तो a होता है वो होता है g, और s जो होता है वो होता है h। तो ये हो जाता है मेरे पास V स्क्वायर इज इक्वल टू, चूंकि U तो 0 है तो U 0 होता है, देता है 2gh एंड द रूट goes on to the root 2gh, तो ये हो जाता है मेरे पास root under 2gh। and now the we will solve it, 2 into 10 लेने के लिए कहा गया है, h जो है मेरे पास 20 लेने के लिए कहा गया है, 2 to the 4 ये हो जाएगा मेरे पास 400, and 2 का ये हो जाएगा मेरे पास जो होता है डबल जीरो का एक जीरो और चार का दो, तो आंसर हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर विल बी पर सेकेंड, सॉरी स्क्वायर डी पर सेकेंड, तो आंसर विल बी हो जाएगा मेरे पास ए, ठीक है, आंसर हो जाएगा ए हमारे पास। तो चलिए लेट्स सी इसका आंसर क्या है, देख लेते हैं, एट का आंसर ए है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पास अ बॉडी मूविंग विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है एक बॉडी 30 मीटर पर सेकेंड से, 10 सेकेंड बाद इट्स वेलोसिटी बिकम्स 40 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। अब एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी क्या है, तो जरा देखिए यहाँ पे डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है और साथ साथ हमारे पास जो वेलोसिटी है वो भी बदल रही है 10 सेकंड के बाद। बट यार डायरेक्शन का जो मतलब होता है, हम लोग मानते हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास क्या है ना, यहाँ पे सिर्फ वेलोसिटी के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। एक्सेलरेशन तो हम लोग सिर्फ वेलोसिटी के रूप में देखते हैं, यानी कि उसके मैग्नीट्यूड के रूप में देखते हैं, यानी कि उसके डायरेक्शन के रूप में देखते हैं, एंड दिस इज व्हाई आंसर विल बी ओनली इन द आप लोगों का क्या होता है उसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में होगा। तो जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास, पहले जो वेलोसिटी था उसका वो था हमारे पास कितना, फर्स्ट इनिशियल वेलोसिटी जो एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन, ठीक है, टोटल टाइम टेकन जो टोटल डेल्टा टी है टाइम टेकन है। अब वी इनिशियल जो है मेरे पास वो है मेरे पास ईस्ट की तरफ चल रहा था बॉडी 30 मीटर पर सेकेंड से, अचानक से 10 सेकंड के बाद, 10 सेकंड तक यहाँ चल लेते हैं तो 10 सेकंड के अंदर, ठीक है, आफ्टर 10 सेकंड द वेलोसिटी बिकम 40 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 40 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ये बन जाता है 10 सेकंड। तो ये इंटरवल जो है ये 10 सेकंड का है, ठीक है, इंटरवल जो है चेंजिंग है जो वो 10 सेकंड का है। तो अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो सिंपल सिंपल ये जो होगा वो क्या आएगा, तो अब जरा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे दो चीज हो रही है, यहाँ पे डायरेक्शन बदल रहा है, ठीक है, और एक हो रहा है मैग्नीट्यूड का चेंज। तो जब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जब दोनों बदलता है ना, तो हम लोग करना क्या पड़ता है ना, वेक्टर सम लेना पड़ता है और वेक्टर में माइनस करना पड़ता है। जब वेक्टर में माइनस हम लोग करते हैं तो हम लोग को इसका रिजल्टेंट निकालना पड़ता है, ठीक है, हम लोग इसका रिजल्टेंट निकालना पड़ता है, एंड दिस इज व्हाई
कि आंसर क्या होगा वो देखना पड़ेगा। अब देखिए पहला इनिशियल इसमें अब कैसे निकलेगा ये, तो अब बहुत तो बच्चे क्या होते हैं ऐसे करते हैं इसे, और फिर ऐसे कर देते हैं और हम लोग बोलते हैं क्या ये ऐसे, तो ये सोचते हैं ना ये तो देखिए टेल से हेड मिल रहा है, इसका मतलब एडिशन हो जाएगा, 30 + 40 वाला सम लगाएंगे वो अब इसमें, है कि नहीं, 30 + 40 वाला सम लगाएंगे तो फिर ये जो आंसर आएगा वो कितना आएगा। तो अब इसमें जब करना है ऐसा तो जल्दी कर लेते हैं, 30 था ये और ये था मेरे पास 40, तो जब इसको मैं इसका आंसर निकालूंगा तो ये जो आएगा मेरे पास 3 और 4 का 5 होता है, इसलिए 30 है। ये एक्चुअली एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, लेकिन मैं इसे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। चलिए इसे मैं मान लेता हूँ ये एच है, मेरे पास हाइपोटेनियस है, एच इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 3 का स्क्वायर यानी कि 900 + 40 यानी 1600 और अंडर रूट ये हो जाएगा 2500, अंडर रूट ये हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा मेरे पास एच 50 हो गया। ठीक है, तो एच जब मेरे पास 50 आ गया तो ये जो मेरे पास वेक्टर जो है, वेक्टर माइनस जो है ये आएगा मेरे पास कितना 50। ठीक है, कितना आया मेरे पास ये 50 आया, और अगर ये मेरे पास 50 आया है और टाइम इंटरवल जो 10 सेकंड्स का है जब मैं इसे काटूंगा तो ये हो जाएगा 5 m/s². नाउ द आंसर इज 5 m/s², बट क्या कॉन्सेप्ट क्या था इसमें, यहाँ पर ध्यान से रखिएगा कि जब भी एक्सेलरेशन पूछे तो क्या वेलोसिटी के डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में बदलाव हो रही है या फिर सिर्फ मैग्नीट्यूड में बदलाव हो रही है, और क्या उसका खाली और खाली क्या उसका खाली मैग्नीट्यूड बदल रहा है या फिर खाली डायरेक्शन बदल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना, अगर दोनों बदल रहा है तो आप लोगों को पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना है, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड बदल रहा है तो आप लोग नॉर्मली आप लोग V5 इनिशियल कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्शन तो सेम है, और अगर डायरेक्शन बदल रहा है ठीक है तो उस समय क्या होगा हमारे पास, तो उस समय जो हमारे पास जो एक्सेलरेशन आता है उसमें जो हमारा आई कैप है वो जे कैप या के कैप बदल जाता है। ठीक है ना, तो ये ढंग से हमारे पास ये आंसर होता है, तो आंसर इज 5 m/s². तो हमारा जो इलेवन क्वेश्चन का जो आंसर है वो है मेरे पास सी 5 m/s². देखिए मैं लगातार बोलता चलाता हूँ तो शायद बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है इससे, मैं रुक रुक को नहीं बोलता हूँ, इट नीड्स बहुत समय का बहुत अभाव है हमारे पास। ठीक है, तो चलिए 2009 क्वेश्चन में हुआ करते हैं। A ball is dropped from a high rise platform t equal to 0 पे starting from rest. A ball is dropped from a high rise platform. ठीक है, after 6 seconds another ball is thrown downward from the same platform with a speed v. The two balls meet at t equal to 18 seconds. What is the value of v? अब जरा समझिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि एक बॉल को मैंने ड्रॉप किया है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन से हटा के लिए रखूंगा ताकि याद नहीं रहता इतना बड़ा क्वेश्चन। तो एक बॉल को ड्रॉप किया गया है हाई प्लेटफॉर्म से t इक्वल टू जीरो के समय में, ठीक है, t इक्वल टू जीरो पे इसको ड्रॉप किया गया है और ये रेस्ट पे था तब, यानी कि u जो है उस समय इसका जीरो था, एक बॉल जो इसका जो u है जीरो है, ठीक है, ड्रॉप कर दिया गया। 6 सेकंड के बाद यानी कि t इक्वल टू 6 सेकंड्स पे ही उसी पोजीशन से एक और बॉल को ड्रॉप किया गया है, लेकिन उसको थ्रो किया गया है, ड्रॉप नहीं किया गया है प्लेटफॉर्म से, और ये डाउनवर्ड ही थ्रो किया गया है, हॉरिजॉन्टली नहीं। तो इसको जो थ्रो किया गया है, इसको थ्रो किया गया है स्पीड v से। अब बता रहा है कि t 18 सेकंड्स पे ये दोनों मिल जाते हैं, दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं, साथ साथ हो जाते हैं, दोनों साथ साथ नीचे गिरने लगते हैं, तो बताना है कि v कितना होगा। सिंपल सिंपल लॉजिक यहाँ पर ये है कि आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर द डिस्टेंस जो दोनों कवर कर रहे हैं वो तो सेम है, ठीक है, तो यानी कि इसके पास 18 सेकंड में इसने जो डिस्टेंस कवर किया है, इसने वो डिस्टेंस जो है इसमें जो इसने जो डिस्टेंस, जैसे बॉल ए जो है, मान लेते हैं ये बॉल ए है और ये बॉल बी है, तो बॉल ए जब गिर रहा है नीचे तो मात्र 18 सेकंड बाद कि वो h1 हाइट पे आता है, 18 t 18 सेकंड पे वो h1 हाइट पे आता है, लेकिन दूसरा बॉल जो बॉल बी है उसको तो 6 सेकंड बाद थ्रो किया गया ना, तो इसके लिए तो h1 हाइट पे आने के लिए इसकी उसको भी अगर h1 हाइट पे आना है इसी टाइम इंटरवल में t 18 पर ही, क्योंकि क्लॉक तो इसी वक्त स्टार्ट हो चुका है t 0 t 6, तो इसको 6 सेकंड कम मिलेगा यहाँ आने के लिए, 6 सेकंड अगर कम मिलेगा तो इसके पास जो टोटल टाइम है इंटरवल जो है इसके पास 12 सेकंड का ही है और इसके पास 18 सेकंड का इंटरवल है, तो यानी कि इसमें ध्यान रखिएगा आप लोग को यहाँ पे अगर जीरो दिया हुआ है इसका और इसका वी दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी, तो ये 18 सेकंड में h1 कवर करता है और ये 12 सेकंड में h1 कवर करता है, तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पे निकालना पड़ेगा v कितना है। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं कि इसका हम लोग निकालते हैं v कितना होगा। तो जब हम लोग इसका v निकालने के लिए आगे प्रोसीड करेंगे तो हम लोग यहाँ ध्यान से देखना पड़ेगा कि मैं इसका थोड़ा समझाता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग समझ में आए, थोड़ा सा ड्राइंग बनाते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो जो फर्स्ट बॉल है उसके पास क्या टाइम है, तो h1 निकाल लेते हैं, फिर h1 निकाल सॉरी s1 लिख दिया मैंने, तो h1 निकाल लेते हैं, तो h1 जो होगा वो मेरे पास होगा u0 है, तो हाफ इंटू 80 स्क्वायर यानी कि g इंटू 10 है, तो g को मैं अगर अभी g रखूं तो कोई दिक्कत,
नहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ताकि मैं थोड़ा आसान हो जाए हमारा फिर क्वेश्चन, तो मैं इसे जी ही रखता हूँ ठीक है। तो जी से जी कट आता है, 10 से मल्टीप्लाई करने पे भी बहुत सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो जी इज इक्वल टू 10 की टाइम कितना है 18 है, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जब ये मैं स्क्वायर करके मल्टीप्लीकेशन करके लिखूंगा तो दिस इज द हमारे पास जो आंसर आएगा ठीक है। अब आते हैं हम लोग S2 के ऊपर ठीक है। अब जैसे मैं इसको लिखना चाहते ही अगर आप लोग तो लिख सकते हैं 18 का जब आप लोग मल्टीप्लीकेशन करना पड़े तो ऐसा कीजिए इसको 64 ठीक है पहले इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर इसको से फिर इसको इससे 8 1 8 8 1 8 16 हो गया दोनों को प्लस करने पे और 1 1 1 हो जाएगा ठीक है। ये 4 लिखाएगा ये कट जाएगा 6 यहाँ लिखाएगा जाएगा आपके पास 2 फिर ये 1 और 1 2 यहाँ पे लिखाएगा और हो जाएगा 3। तो 324 इज द आंसर 324/2 इज द आंसर बट मैं इसे ऐसे ही छोड़ूंगा अभी ठीक है। अब हमारे पास H2 निकालते हैं। H2 जो है हमारे पास वो भी सेम ही है H2 एंड H1 इज इक्वल ठीक है। H2 एंड H1 इज इक्वल बट हमें अभी ध्यान रखना है कि हम लोग अभी बॉल B के लिए निकाल रहे हैं तो इसलिए हाफ। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो V तो था ही ना, V तो था यहाँ पे, चलिए मैं लिखता हूँ V इंटू टी। लेकिन टी भी हमें पता है 12 सेकेंड है ठीक है, टी भी हमें पता है क्या है उसको 12 सेकेंड ही मिल रहा है और प्लस हाफ इंटू जी इंटू फिर यहाँ पे लिखूंगा मैं टी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जो कि T2 जो मेरे पास जो मिल रहा है उसको ठीक है ना, और यहाँ पे स्क्वायर। अब मुझे पता है ये 12 सेकंड मिल रहा है इसको तो V इंटू 12 हो जाएगा ये और ये हो जाएगा प्लस हाफ इंटू जी इंटू ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर तो ये तो 12/144 होता है ठीक है। अब हमें पता है कि ये दोनों इक्वल है तो इन दोनों को मैं इक्वल के रूप में लिख देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ हाफ इंटू जी इंटू 18 का स्क्वायर, मैं यहाँ लिख देता हूँ जी जो है उसको यही रहता हूँ मैं अभी अभी तो यही रहेगा ये। अब ये करना क्या है, जी को इसी तरफ ले जाना है वी को यही छोड़ देना है तो ये हो जाएगा मेरे पास 12V इक्वल टू हाफ इंटू जी इंटू 18 का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू जी इंटू 12 का स्क्वायर ठीक है। एट लास्ट जाकर के हमें इसे सॉल्व करना ही पड़ेगा ठीक है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो 18 का स्क्वायर आएगा वो हो जाएगा मेरे पास 324G/2 माइनस 144G/2 ठीक है। जब ये माइनस साइन जाएगा जब मैं इसे माइनस करता हूं तो जो लिखाएगा वो लिखाएगा मेरे पास क्या 4-4 0 ठीक है। और जब मैं 32 से 14 को माइनस करता हूं तो ये हो जाएगा 12 12-4 8। मैं देखिए हर एक स्टेप पे जाता हूं ताकि आप लोग बहुत समझ में आए। फिर हो जाएगा मेरे पास ये 2-1 1 ठीक है अपॉन 2 इंटू हो जाएगा इस जी से ये हो जाएगा मेरे पास कितना 90 यानी हो जाएगा मेरे पास 90 जी ये हो जाएगा बस 900 ठीक है। ये हो जाएगा बस 900। अब जब मैं 900 हो गया मेरे पास ये तो मैं लिख सकता हूँ 12V इज इक्वल टू 900 ठीक है। और 12V से अगर 900 को मैं माइनस करता हूँ तो ये हो जाता है मेरे पास कितनी बार में ये कटेगा। तो अगर ये वाला प्रॉब्लम आता है कितने बार में कटेगा तो जरा आप लोग यहाँ देख सकते हैं कितने बार में कटता है। तो जब इसको कैलकुलेट जब आप लोग इसे कीजिएगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि जो कटता है वो कटता है आप लोग का लगभग लगभग 75 बार में ठीक है। 75 के आसपास में ये कट जाता है इससे ठीक है। तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि अगर ये 75 बार में कटता है तो आंसर विल बी अप्रोक्सीमेटली 75 मीटर/सेकंड पे ही फेंका गया होगा इसे। तो जो आंसर होगा हमारे पास वो होगा 75। लेकिन यहाँ देखिए ध्यान से 75 नहीं दिया है। द प्रॉब्लम इज दैट नीट के साथ कभी कभी वो जी को 10 बोलता है लेकिन नहीं देता है कि आप लोग उसको 74। ऐसा इसीलिए 9.8 इस्तेमाल करने पे लगभग लगभग 75 से कम आता है एंड दिस इज व्हाई 74 से लेके 75 तक आंसर हो सकता है इसका। इसलिए आंसर इज ए 74। तो हम लोग इस वीडियो में 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और टिल देन गाइस बाय बाय, टेक केयर, स्टडी स्मार्ट एंड वर्क हार्ड। मौसम बदल रहा है प्लीज अपना ख्याल रखिएगा, तबीयत पे ध्यान दीजिएगा और पढ़ते रहिएगा ठीक है। ओके देन सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।